जिलाधिकारी ने समाधान दिवस में सुनी जन समस्याएं। जीवित महिला को मृत दिखाकर सचिव ने वृद्धा पेंशन की लगाई रिपोर्ट। महिला पहुंची जिला अधिकारी के समक्ष तो जिलाधिकारी ने किया सचिव को निलंबित और बहाल किया पेंशन। जनपद अमरोहा की जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स की अध्यक्षता में तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने तहसील दिवस में आने वाली फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारी को मौके पर बुलाकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण समय सीमा के अंदर कराए जाने के निर्देश दिया। फरियादी निवासी शहबाजपुर गुर्जर छोटी पत्नी स्वर्गीय गोपाल सिंह 75 वर्ष की महिला है, जिसको पूर्व में पेंशन मिल रही थी। 2023 में सचिव द्वारा सत्यापन करने के बाद सेक्रेटरी द्वारा महिला को मृतक दिखाकर रिपोर्ट जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित की गई। लाभार्थी जीवित होने के कारण जिला अधिकारी के समक्ष पहुंची, जिस पर जिलाधिकारी ने सचिव को तत्काल निलंबित कर दिया है, साथ ही पेंशन बहाली के भी निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि किस प्रकार सत्यापन किया गया कि जीवित को मृतक दिखाया गया, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संपूर्ण समाधान दिवस के संबंध में जिलाधिकारी ने दो टूक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा भी, तहसील दिवस की सफलता तभी है जब फरियादियों की शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो और शिकायतकर्ता संतुष्ट हो। शिकायतकर्ता बार बार एक ही शिकायत को लेकर विभागों के चक्कर काटता रहता है, किंतु शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण नहीं हो पाता है। जिलाधिकारी ने तहसील दिवस में आने वाली शिकायतों के निस्तारण के नए निर्देश सभी अधिकारियों को दिया है। जनता दर्शन में आने वाली 02 शिकायतों और IGRS में आने वाली 2 शिकायतों का प्रथम या लास्ट शनिवार को स्वयं मौके जाकर जिला स्तरीय अधिकारी निस्तारण कराएंगे और उसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक तहसील और ब्लॉक में जिस पंचायत की ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, उनको प्रथम या लास्ट शुक्रवार को विकासखंड या तहसील स्तर के अधिकारी मौके पर जाकर निस्तारण कराएंगे और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। निर्देशित करते हुए कहा कि IGRS की चेकिंग प्रतिदिन किया जाए, IGRS में की जाने वाली शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण हो और डिफॉल्ट होने से पहले निस्तारण हो जाए, ये सुनिश्चित करें। सभी अधिकारी अपने कर्मचारियों का नियंत्रण रखें, गलत रिपोर्ट न लगाएं, अधिकारी स्वयं IGRS को चेक करें। तहसील दिवस में राजस्व, पुलिस, आंगनबाड़ी, पंचायती राज, पेंशन व अन्य विभागों सहित कुल 25 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 04 शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ, शेष 21 का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। तहसील दिवस के अवसर पर उप जिलाधिकारी धनुरा चंद्रकांता, तहसीलदार धनुरा सहित संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। मेरे मुंह पे तो नहीं रख लिया। आज तहसील दिवस के दौरान एक कार्रवाई आपकी तरफ से की गई है, एक सचिव को निलंबित करने का। आज तहसील दिवस में हमारे द्वारा जनता को सुना जा रहा था, जिसमें कि एक यह मामला संज्ञान में आया कि एक बूढ़ी महिला को मृतक दिखा दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी पेंशन रुक गई। जब इसका संज्ञान लिया गया और जब मौके पर निस्तारण करने की कोशिश करी गई, तब ये पता चला कि सचिव ने एक गलत रिपोर्ट लगा दी थी, जिसकी वजह से एक जिंदा महिला को मृत दिखा दिया था और उसकी पेंशन रुक गई। इस सचिव को तत्काल निलंबित किया गया है और साथ ही साथ उसकी पेंशन को बहाली के तत्काल निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ ये सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गुणवत्तापूर्वक और ससमय जो ग्रीवेंसेस हैं उनका डिस्पोजल में, उसके लिए एक नए निर्देश जारी करे गए हैं, जिसमें जितनी भी समस्याएं हम लोगों को आती है, चाहे वो IGRS या फिर जनता दर्शन के माध्यम से आती है, उनको जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं उन ग्राम पंचायतों में जिला स्तरीय अधिकारी फर्स्ट या फिर सेकेंड सैटरडे को विजिट करेंगे और वही चीज़ तहसील और ब्लॉक में चिन्हित करते हुए ब्लॉक लेवल पे और तहसील लेवल पे जिसमें सबसे ज़्यादा समस्याएं आई हैं उन ग्राम पंचायतों को जिला तहसील और ब्लॉक स्तर के अधिकारी फर्स्ट और सेकेंड फ्राइडे को विजिट करेंगे। साथ ही साथ ये सुनिश्चित करा जाएगा कि वन वीक में जितनी कंप्लेंट्स उनके पास आती है, किन्हीं दो कंप्लेंट्स का वो कोशिश करेंगे कि एंड टू एंड